नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सूरत जिले की कोसंबा पुलिस को एक अपराध की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि सूरत जिले की कोसंबा तालुके की पुलिस विस्तार की हद में नरोली गांव के समीप नशीले पदार्थों की हेराफेरी बड़ी जोर शोर से हो रही थी। इस दौरान कोसंबा पुलिस को मुखबिर से खुफिया जानकारी मिली, जिसके तहत स्टेट विजिलेंस टीम ने कोसंबा इलाके के नरोली गांव के समीप छापेमारी की और अवकार नामक होटल के पास से गांजे और नशीले पदार्थों से भरा एक ट्रक बरामद किया। ट्रक में बाहर कर गांजे का काला कारोबार करने के लिए गांजा से भरा ट्रक ओडिशा के बहरामपुर से लाया गया था। ये ट्रक सूरत ले जाया जा रहा था, लेकिन कोसंबा पुलिस ने इससे पहले ही गांजे से भरा ट्रक धर दबोचा। ट्रक में से 700 किलो गांजा और कुल मिलाकर पुलिस को 48 लाख का सामुद्दा माल बरामद हुआ। इसी के साथ ट्रक ड्राइवर के साथ दो लोगों को कोसंबा पुलिस ने हिरासत में लिया और आगे की जांच कोसंबा पुलिस ने शुरू की है। कोसंबा से कयूम शेख की रिपोर्ट, क्राइम 7 न्यूज़।